हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में। हम लोग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर आप लॉ के पॉइंट व्यू से जानना चाहते हैं कि एक्ट में क्या लिखा है, एंड प्रैक्टिकल जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहते हो तो भी ये वीडियो काम की होने वाली है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस वीडियो के बाद आपको रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है, क्योंकि हम लोग तीन चीज के बारे में, एक तो हम लोग पहले लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक है, फिर हम लोग लास्ट में हम लोग कुछ एफएक्यूज देखेंगे जिसके अंदर हम लोग ये जान जाएंगे कि कुछ जो कन्फ्यूजन होता है ना, जो भी अनरिजॉल्व कन्फ्यूजन रहते हैं कि ऐसा कुछ यूनिक क्वेश्चन, वो सब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कॉमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज हम लोग लॉ के साथ साथ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। ओके, नाउ अगर कोई डायरेक्टर है, इफ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी के भी हो सकते हैं, आप पब्लिक कंपनी के हो सकते हैं, लिस्टेड कंपनी हो सकती है, वन पर्सन कंपनी हो सकती है, किसी भी कंपनी की, सेक्शन 8 कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द पॉइंट इज कि आप कंपनी होने चाहिए, और कंपनी होंगे तो आप क्या डील करेंगे, कंपनीज एक्ट के अंदर आप ऑब्वियसली बात है फॉल करेंगे। ओके, कंपनी किस एक्ट से चलती है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलती है। ओके, मैं किसी ट्रस्ट या फिर किसी और भी और तरीके के कॉर्पोरेट के बारे में बात नहीं कर रहा, और भी किसी स्टाइल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन्हीं चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलती है। ठीक है, नॉट LLP। ओके, प्रोसेस लगभग सेम रहता है, बट एक्ट वगैरह चेंजेस होते हैं वहाँ पे। नाउ कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 168 बोलता है कि भैया अगर कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी का तो वो कैसे रिजाइन कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला चीज, एक रिटर्न नोटिस देना होगा किसको, कंपनी को। मतलब अगर ये डायरेक्टर है, ये अगर एक डायरेक्टर है तो ये क्या करेगा, एक रिटर्न नोटिस देगा कंपनी को। ठीक है, अब वो रिटर्न नोटिस कैसे दे सकता है, वो ईमेल के थ्रू दे सकता है। ओके, वो दे सकता है भाई, और रजिस्टर्ड पोस्ट से दे सकता है। उस जिस भी मीडियम से आप रेजिग्नेशन दे रहे हो उसका प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ इज मैंडेटरी, प्रूफ आपको रखना पड़ेगा कि हमने रेजिग्नेशन दिया है, क्योंकि अगर कंपनी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती या फिर बाद में बोलते कि नहीं हमको तो आपका कोई एविडेंस मिला नहीं, तो आप ये शो कर सकते कि भैया हमने आपको मेल कर दिया था, या फिर हमारे पास रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था, स्पीच पोस्ट से भेजा था, और हमारे पास ये प्रूफ है कि हमने आपको भेजा है वो चीज। ठीक है, तो कुछ भी आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। तो आपने ईमेल कर दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट दोनों कर दिया, वो भी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा MD को दे दो, चेयरमैन को दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी कंपनियों में ऐसा कोई इशू नहीं होता है। नाउ डायरेक्टर जब जैसे ही रेजिग्नेशन दे रहा है कंपनी को, अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि कंपनी में दो डायरेक्टर थे और इन दोनों में अब आपस में जाने दुश्मन वाला लड़ाई हो गया, मतलब एकदम एक दूसरे को देखना नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा ये बंदा, वो भी डील करूंगा, ये बंदा एक मेल कर सकता है या फिर कंपनी के एड्रेस पे बोल देगा कि हम रिजाइन कर रहे हैं, वो भी कर सकता है। ठीक है, नाउ जैसे ही डायरेक्टर ने अपना रेजिग्नेशन कंपनी को दिया, अब उस रेजिग्नेशन में कुछ चीज लिखेगा, जैसे फ्रॉम दिस डेट हम रिजाइन कर रहे हैं, या फिर जिस दिन ये मेल आपको, मतलब जिस दिन ये रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर नोटिस या फिर आप ईमेल जिस दिन आपको मिल रहा है उस दिन से हम रेजिग्नेशन कर रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं कंपनी में, डायरेक्टरशिप पोस्ट से रिजाइन कर रहा है, तो उस दिन से आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, उस दिन से आप रिजाइन कर दोगे। ओके, उस दिन के बाद के लिए आप कोई भी लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकते। नाउ कंप्लायंस क्या क्या होंगे, जैसे ही अगर आप डायरेक्टर के पोस्ट से रिजाइन कर रहे हो तो दो चीज आता है, एक आता है फॉर्म DIR 11, एक आता है DIR फॉर्म 12। ठीक है, ये जो DIR 11 फॉर्म है, ये चेंज कर लेता हूं, ये जो DIR 11 फॉर्म है, ये फॉर्म भरता है डायरेक्टर, विच इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप ये फॉर्म नहीं भी भरते हैं तो भी चलेगा, एब्सोल्युटली चलेगा, कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये फॉर्म मैंडेटरी फॉर्म है क्योंकि कंपनी को DIR 12 फॉर्म भरना ही पड़ेगा। कब भरना पड़ेगा, जिस दिन रेजिग्नेशन मिला है, जिस दिन द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, अब डेट ऑफ रेजिग्नेशन दो हो सकता है, देखो नोटिस में जिस दिन नोटिस रिसीव किया हो, या फिर उस नोटिस में जो डेट स्पेसिफिक किया गया हो कि इस डेट से हम रिजाइन कर रहे हैं, इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर। जैसे अगर नोटिस मिल रहा है मेरे को 2 मई 2022 को, और इस नोटिस में हमने लिखा है कि हम भाई 20 मई 2022 से हम रिजाइन कर देंगे। ठीक है, हमको मिला है नोटिस, सॉरी विच एवर जो भी स्पेसिफिक होगा, नॉट अर्लियर, हमको नोटिस मिला है 2/5 को, बट हम बोले हैं उसमें कि हम 20/5 को रिजाइन कर देंगे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब हम रेजिग्नेशन डेट एग्जैक्टली बोल ही दे रहे तब तो कोई इशू नहीं। ठीक है, फिर तो हमारा यही डेट कंसिडर किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नाउ नेक्स्ट इज राइट, जब हम लोग DIR 12 फॉर्म फाइल करते हैं,
अगर विद इन 30 डेज कर रहे हैं तो आरओसी के पास नॉर्मल फॉर्म फी जो होता है, नॉर्मल जो फी होता है वही लगता है। लेकिन जैसे ही 30 डेज प्लस हो गया, 30 जैसे ही क्रॉस कर जाता है, उसके बाद आपका ट्वाइस लगेगा। मतलब अगर आपका 600 फीस लग रहा था, सपोज अगर आपका फीस कितना था, 600 लग रहा था नॉर्मल फाइल करने का, तो अब आपका एडिशनल फी जो है ना वो 1200 लगेगा, ठीक है, प्लस 600 जो आपका फॉर्म फाइलिंग का चार्जेस है। मतलब आपको टोटल लगभग 1800 रुपए पे करने पड़ेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट। जितना आपका नॉर्मल फी है उस नॉर्मल फी का ट्वाइस तो आपका एडिशनल फी हो गया, ठीक है, और आपका फिर नॉर्मल फी तो लगना ही है जो आपका फॉर्म फाइलिंग का फीस है 600। तो मतलब टोटल आपको 1800 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आप विद इन टाइम अप नहीं करते हो। तो ये बिल्कुल मत समझना कि हमको अगर 30 डेज के अंदर पे नहीं किया तो 600 लग रहा था, अभी और 600 लगेगा और क्या। सपोज तुम्हारी कंपनी में 200 रुपए ही फॉर्म फाइलिंग के खर्चे होते होंगे, तो 200 प्लस 200 मतलब 400 रुपए तो आपके एडिशनल फी हो गए सर। और इसके साथ साथ अभी आपको 200 जो फॉर्म फाइलिंग खर्चा वो तो देना पड़ेगा, उस टाइम में आपको 600 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ गया ना फॉर्म फाइलिंग का। नाउ सपोज क्या होता है, आप मान लो एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मान लो डायरेक्टर जो है वो कंपनी को इंटीमेट कर दिया कि भैया हम रिजाइन कर दिए, हम रिजाइन कर दिए, ओके, कंपनी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, वो उसके सारे डायरेक्टर सो रहे नींद में, कुछ नहीं कर रहा है। अब इसके माथा पे प्रेशर आ रहा है, यार हम क्या करें, मेरा नाम तो एमसीए के मास्टर एडिटर में अभी भी शो कर रहा है कि ही इज अ डायरेक्टर, ये क्या। अब आप क्या कर सकते हैं, DIR-11 फॉर्म भर सकते हैं और आप सीधा एमसीए के पास अपलोड कर सकते हैं, आपका नाम एमसीए से हटा दिया जाएगा और आपकी डायरेक्टरशिप भी हट जाएगी, ओके। ये एक अल्टरनेट ऑप्शन है अगर कंपनी के पास आप डायरेक्ट मतलब रिजिग्नेशन नहीं दे पा रहे हो तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ ऑल डायरेक्टर रिजाइन, अगर सारे डायरेक्टर रिजाइन कर जाते हैं या फिर वेकेट हो जा रहे हैं अंडर सेक्शन 167, उस सिचुएशन में क्या होगा। अगर सारे डायरेक्टर रिजाइन कर जा रहा है तो जो प्रमोटर होगा कंपनी का, अगर प्रमोटर नहीं है कंपनी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली हमारा रीजनल डायरेक्टर वो अपॉइंट कर देता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर। सपोज अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, सिंपल। ओपीसी है तो 1 डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, ओके। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ कुछ FAQs, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर कब तक रहेगी सर। अगर मान लो आज की डेट पे 2/5/2022 को मैंने रिजाइन कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी क्या आज तक ही कंसिडर होगी या फिर आज के बाद भी रहेगी। देखो आज के बाद के आने का तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन आज तक जिस दिन मैं डायरेक्टर हूँ मतलब 2/5/2022, अगर इस दिन को मैं ऑफिस अटेंड कर रहा हूँ एज अ डायरेक्टर तो मेरी लाइबिलिटी आज भी है, आज जो भी काम हुआ है कंपनी में उसके लिए मैं लाइबल हूँ। लेकिन अगर आज का डेट मैं ऑफिस अटेंड नहीं कर रहा, आज के डेट से ही रेजिग्नेशन कर दिया, अब ये कैसे प्रूफ चलेगा भैया, अटेंडेंस तो होगा आपका, कुछ ना कुछ प्रूफ पता चल जाएगा कि आप अटेंड किए हो कि नहीं ऑफिस। अगर आप आज के डेट पे मतलब 1/5/2022 को ही आप ऑफिस लास्ट आए थे तो फिर 1/5/2022 से पहले तक की जो लाइबिलिटी होगी आपके टेन्योर में तो वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है। मतलब उस सिचुएशन में जो भी डिसीजन होगा उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आप 1 मई 2022 तक आप ऑफिस में जो भी काम किए हैं उन सभी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सपोज आज से 10 साल बाद ये लाइबिलिटी क्रिएट होती, पता चलती है कि कंपनी में 2021 में, ठीक है, इसी के बीच का टाइम हो रहा है, आज से 10 साल बाद पता चला 2021 में एक फ्रॉड हुआ है कंपनी में, उस समय भी आपको पकड़ा जा सकता है कि भैया आपके टेन्योर में ये फ्रॉड हुआ था, आप इसमें शामिल थे, तो उस दिन भी आपको पकड़ा जा सकता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, कैन अ डायरेक्टर इंस्पेक्ट मिनट बुक आफ्टर रेजिग्नेशन। आप मान लो 2/5/2022 को मैंने रिजाइन कर दिया, 1 जनवरी 2020 से मैं अपॉइंट था, इस टेन्योर के बीच में जितने बोर्ड मीटिंग हुए थे सर उन सभी बोर्ड मीटिंग का मिनट बुक मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ आफ्टर रेजिग्नेशन भी। मतलब 2023 में भी जाके मैं चाहूँ कि बोलूँ कि मेरे को 2021 के एक बार मिनट बुक देखने हैं तो बिल्कुल मेरे को अलाउड है, मैं आके देख सकता हूँ, ओके। अगर नहीं पता हो तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग के जो मिनट बुक है वो कोई नहीं देख सकता है एक्सेप्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो ऑफिसर्स आएंगे अगर इंस्पेक्शन हो रहा है, अदरवाइज और किसी को भी बोर्ड मीटिंग का मिनट देखने का परमिशन नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ कंपनी डज नॉट टेकिंग रेजिग्नेशन। नॉर्मली तो ऐसा नहीं किया जा सकता है किसी को भी, अब नॉर्मल सिनेरियो क्या है, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो काम करने के लिए, राइट। लेकिन व्हाट इफ अगर कंपनी के पास डायरेक्टर रेजिग्नेशन भेज रहा है लेकिन कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फिर जबरदस्ती बदमाशी कर रही है, उस सिचुएशन में आप DIR-11 फॉर्म फाइल कर दीजिए, ठीक है, एंड कंपनी को एक ईमेल कर दीजिए कि भैया हमने DIR-11 फॉर्म फाइल कर दिया है, अपना रेजिग्नेशन ईमेल कर दीजिए, रेजिग्नेशन जो ईमेल किया है वो रेजिग्नेशन का ईमेल कॉपी प्लस आपका जो रेजिग्नेशन का जो कॉपी है वो अपना यहाँ पे अटैच कर दीजिए,
और इतना ही अटैच करके रीजन देना पड़ेगा आपको डीआर 11 में, क्या रीजन से आप रिजाइन कर रहे हो, वो रीजन दे दीजिए और अपना कंपनी से रिजाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इफ आई एम एन एम्प्लॉई, अगर मैं कंपनी में एम्प्लॉई भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ, तो क्या सिर्फ डायरेक्टरशिप को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरशिप को बोल सकते हैं कि भैया अब हम डायरेक्टर नहीं लेंगे कंपनी में, हम एज ए एम्प्लॉई ही ठीक थे, अब एम्प्लॉई मतलब डायरेक्टर बनने का जरूरत नहीं। तो आप सिर्फ डायरेक्टरशिप को सरेंडर कर सकते हैं कंपनी के अंदर, जो फॉर्म फाइलिंग है डीआर 12 फॉर्म फाइल हो जाएगा, आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट, खत्म। ओके, नाउ अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो ड्राफ्ट क्या होगा, कैसे रिजाइन करोगे? नाउ सबसे पहले हम लोग डेट देंगे जिस डेट पे आप ये नोटिस लिख रहे हो। ओके, जिस डेट पे आप ड्राफ्ट कर रहे हो, सपोज आज का तारीख है 2 मई, तो 2 मई 2022 लिख दोगे, आज की डेट पे हम राइट कर रहे हैं। किस नेम ऑफ डायरेक्टर, ये आपका नाम होगा, ठीक है, मेरा नाम संदीप है तो मैं लिख देता हूँ संदीप। ओके, अपना फुल एड्रेस मैं लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा, डोंट वरी। नाउ टू, किसको दे रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन सी डायरेक्टर को, भाई इस कंपनी के डायरेक्टर, तो उस कंपनी का नेम, उस कंपनी का नेम, उस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, सिन नंबर, ये सब तो आपको पता ही होगा भाई कंपनी के डायरेक्टर हैं आप। नाउ सब्जेक्ट क्या होगा, रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप, ऑब्वियस सी बात है, डियर सर। अब ये आपको पूरा, आपको यहाँ पे मैंने हेल्थ रीजन से इनका डायरेक्टरशिप को हटाया है, आप अपना कोई भी रीजन लिख सकते हो, पर्सनल रीजन लिख सकते हो, कोई भी रीजन, या फिर कंपनी में आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, जो भी भाई आपका जो भी समस्या है वो आप रीजन यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कब से आप रिजाइन कर रहे हो, यहाँ पे इफेक्टिव डेट देना बहुत जरूरी है, किस डेट से आप रिजाइन कर रहे हो, यहाँ लिख सकते हो जिस दिन कंपनी को नोटिस मिलेगा उस दिन से लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, अगर आप बोलो कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक डेट करें कि 20 मई 2022 से हम नहीं आएंगे कंपनी में, तो फिर 20 मई 2022 इज योर रेजिग्नेशन डेट, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कुछ थोड़ा मोड़ा ज्ञान लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज ये नहीं लिखो तो भी चलेगा। लाइक यहाँ पे मैंने इंटीमेट कर दिया है कि मैं इस कंपनी में इस टाइम से एसोसिएटेड था, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा ज्ञान वगैरह लिख दिया है। नाउ लास्ट में थैंक यू एंड आपका साइन, नेम ऑफ डायरेक्टर और आपका जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो, दैट इज सफिशिएंट। इतना ही आपको करना है अगर आप रिजाइन करना चाहते हो, और कंप्लायंस व्यू से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना होगा। कंप्लायंस का अगर बात करें तो कंपनी में कंप्लायंस होता है सर, राइट, जिस दिन हमको नोटिस मिला, मैंने बता दिया नोटिस जिस दिन हमको मिला उससे विद इन 30 डेज का हमारे पास टाइम है, 30 डेज के अंदर हम लोग DIR 12 फॉर्म है, ठीक है, STP फॉर्म है, ये आपको फॉर्म भर देना है, ROC के पास भेज देना है सर, ठीक है, www.mca.gov.in ये वेबसाइट है, इसमें लॉगिन करना है, फॉर्म अपलोड कर देना है, क्लियर, ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है। फॉर्म अपलोड कर दिया, फॉर्म अप्रूव हो गया, काम खत्म। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो मैंने बता दिया और आपको लॉ का जो पॉइंट था वो भी बता दिया, सेक्शन 168 के हिसाब से आपको ये काम करने हैं, क्लियर। अगर इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो सबसे पहले तो एक लाइक जरूर कर दो यार फटाफट, ठीक है, एक लाइक तो बनता है, लाइक के साथ साथ इसको फटाफट शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सबको शेयर करके सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। एंड अगर आपको इसके बाद कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर कमेंट नहीं मान लो रीड कर पा रहा तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 9038581472, इस नंबर पर आप जब चाहो व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल मत करना, कॉल कभी कभी ले पाता नहीं ले पाता, बट व्हाट्सएप में सारा देखता हूँ, सारा मैसेज देखता हूँ, कमेंट कर सकते हो, कमेंट में सारे ही पढ़ता हूँ। सो ओके।